हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। अभी आज का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्विज। ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था, और जो आज का क्विज है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एक्सरसाइज भी डिस्कस किया है। तो बिफोर फिनिशिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू कंडक्ट अ क्विज। इस तरीके से वर्कशीट है, मुझे चेक करना है वेदर यू ऑल हैव क्विज द चैप्टर और नॉट। तो इसलिए ये पर्टिकुलर क्विज किया गया। तो यू ऑल आर एडवाइज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ें। एक बार ना समझ में आए दो बार पढ़ें, व्हाट एवर द टाइम यू नीड, जो भी समय आपको चाहिए वो समय आप लीजिए, बट आप पहले समझिए फिर उसके बाद कुछ के आंसर लीजिए। इफ यू कैन, मतलब अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है, इफ यू नीड देन ऑल्सो यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक्स। फिलहाल टेक्स्ट बुक ना यूज करें तो ज्यादा बेटर है, बट अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा कहीं का दिक्कत है, तो अगर आपके पास है वैसे अदर स्टडीज मटेरियल या अदर टीचिंग रिसोर्सेज, तो आप वहां से यूज करते हुए इसको इसको सॉल्व करें। और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे हमारे अच्छे मार्क्स लेके, तो मैं अभी आज का लिंक शेयर कर रही हूँ। आप सभी को नोट्स भेज दिया गया, सभी को मिला बेटा? मैंने आज का लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे भी, गूगल क्लास पे भी। तो अभी आप लोग ज्वाइन करें, अभी ये सेशन आप छोड़ दें, ठीक है? जून का सेशन लीव करें, आपको स्वयं करना है, मैं नहीं एंड करूंगा। जिस टाइम वेट करूंगा, मैं एंड नहीं करूंगा। ओके बेटा, ऑल्ट एल ई ए वी ई लीव, लीव पे क्लिक करें और व्हाट्सएप पे जो भी आपको मिला है असाइनमेंट उसको कम्प्लीट करें। किसी को कोई समस्या आती है तो जूम पे लाइव ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकता है। तो अभी आप लोग यहाँ का सेशन छोड़ करके बेटा जल्दी से जाकर के अपने व्हाट्सएप पे अपना क्विज सॉल्व करें। खुशी, आदर, सभी लोग जाइए, आकृति, स्नेहा, सभी लोग आप भी जाइए बेटा, क्विज सॉल्व करिए। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी भी निहारिका और खुशी अभी भी यहाँ पे हैं, क्या कर रही हो बेटा? आप लोग जाके पहले अपना क्विज सॉल्व करिए। महिमा और खुशी आप दोनों भी जाइए, प्राची भी जाइए, निहारिका भी जाइए। खुशी, महिमा, निहारिका इज देयर, खुशी हैज लेफ्ट, महिमा एंड निहारिका इज ऑल्सो देयर। महिमा, निहारिका, बेटा अभी आप अपना जून बंद करके व्हाट्सएप खोलें, वहां पे आपको एक लिंक मिला है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने क्विज को अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद आप दोबारा ज्वाइन करें। महिमा भी जा चुकी हैं, आई होप आई शुड वेट। ओके, अभी समय हो रहा है 1:12, अभी देखते हैं 1:12 पे बच्चों को क्विज दिया गया, अब कितनी देर में कौन करके आता है और कितने मार्क्स पाता है। प्रशांत अभी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत बेटा आप लेट से ज्वाइन किए, मैंने अभी क्विज दिया है व्हाट्सएप पे, ठीक है? आप लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले क्विज जाके सॉल्व करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तुक्का मार के मत आइएगा, ठीक है प्रशांत? अगर जरूरत पड़े तो बुक्स में आप देखिएगा, नोट्स में देखिएगा, लेकिन 1:13 हो रहा है, 1:25 तक करके आना है आपको। कोई जल्दी नहीं है कि आप 5 मिनट में आइए, 10 मिनट में आइए, आप जाके क्विज पूरा सॉल्व करिए फिर उसके बाद आइए, ठीक है? Yes, हाँ ठीक है, आप इस सेशन को छोड़िए और जाकर के जल्दी से कंप्लीट करके आइए। पहले मैं यहाँ पे सेशन ऑन रखूंगा, आप इसको लीव करें, जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप दोबारा ज्वाइन करें। लेफ्ट करें बेटा, नहीं लेट हो रहा है, जल्दी जाइए। ठीक है, वेट करते हैं, अभी 1:14 हो चुका है, 1:16 हो चुके हैं, बच्चे सारे कुछ सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैंने रिस्पॉन्स की जो लाइव एक्सेल शीट जो जनरेट होती है गूगल फॉर्म के थ्रू, उसको मैंने ओपन कर लिया है और देख रहा हूँ कि केवल एक रिस्पॉन्स अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो कि मैंने स्वयं सॉल्व किया था पेपर बनाते समय,
और फिर देखते हैं। अब यहाँ पे डेट भी लिखा है 25 तारीख को सॉल्व किया गया था, 6:46 सबमिट हुआ था। अब इसके बाद जो भी सबमिट होगा वो अभी मैंने इसको लाइक किया है, तो अब देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले सबमिट करता है, लोग कितने मार्क्स से क्योर करते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, देखते हैं कितना समय लगते हैं बच्चे। थोड़ी देर वेट ही करते हैं जब तक और बच्चियों बच्चों के रेस्पॉन्सेस नहीं आते हैं, और रेस्पॉन्स 1:20 तक आना शुरू हो जाना चाहिए। 1:16 हो रहा है, 17 मिनट हो चुका है, तो 3-4 मिनट में आई होप कि वी विल बी गेटिंग सम रेस्पॉन्सेस फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, मिनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, और जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग भी हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। आज बच्चों को बोला भी गया है तो ध्यान से पढ़ें सारे क्वेश्चन, बिना पढ़े मत करें। तो कई सारे बच्चे बिना पढ़े जो सबमिट करते थे वो भी शायद आज कुछ ना कुछ पढ़े, इस वजह से थोड़ा समय लग सकता है, देखते हैं। फिर भी समय जो भी लेना हो ले, लेकिन अच्छे मार्क्स आए ये ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझ में आए ये ज़्यादा ज़रूरी है। वेट करते हैं तब तक। सो 1:26 हो चुके हैं, अभी तक अभिषेक, मुस्कान, श्रेया, महिमा वर्मा का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। मुस्कान, श्रेया, महिमा वर्मा अभी कनेक्टेड भी हैं, अभिषेक भी शायद नेटवर्क इशू है, अभी तक कनेक्टेड थे बट अभी नहीं है। तो बेटा कैसा रहा आज का, पहले आप लोग का फीडबैक बताइए। मुस्कान, यू हैव सिक्योर्ड 26 आउट ऑफ 30, 4 गलत कैसे हो गए, 4 समझ में नहीं आए या फिर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया? समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका दोबारा जब सबमिट किया तो आपको आंसर दिखा, आंसर आपने चेक किया क्या सही निकला क्या गलत हुआ, यस सर। फिर उसको आंसर देखने के बाद समझ में आया, सेटिस्फाइड हो उस आंसर से? यस सर। श्रेया बेटा, यू हैव सिक्योर, श्रेया एंड महिमा बोथ ऑफ यू हैव सिक्योर 22 मार्क्स। श्रेया का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन महिमा ने बहुत अच्छा किया। फिलहाल महिमा से इतने मार्क्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट महिमा फिर भी 22 मार्क्स अगर सिक्योर किया तो दैट मीन्स महिमा ने अभी तक जितने भी क्विज अटेम्प्ट किए हैं उसमें सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा किया, तो बहुत ही अच्छा। श्रेया बेटा आपको क्या हो गया, आपने तो एक क्वेश्चन पे इतना गलत, ऐसा गलत कर दिया कि सॉयल में नाइट्रोजन जो मतलब फार्मर्स हैं वो उर्वरक खाद वगैरह क्यों डालते हैं, तुमने ये लिखा बिकॉज सॉयल डजेंट हैविंग द न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन प्रोटीन या अदर, नेचुरली उस पाया जाता है बट होता क्या है उस मात्रा में उसको नहीं मिल पाता। नेचुरली सॉइल में तो होता ही है, राइजोबियम नामक विजार्ड जो है एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन्स को विलिप्त रूप में बना देता है, जिसे वाटर के थ्रू ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। दाल हो गया या कोई फलीदार फसलों में नाइट्रोजन खाद वगैरह ना डालो तो भी उग जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, वो नाइट्रोजन बनाते हैं राइट। लेकिन जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से अगर नहीं रहती है तो फिर उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फार्मर्स अलग से, किसान अलग से उर्वरक या खाद वगैरह का यूज करते हैं। तो आपने क्या ऑप्शन चूज किया इस तरीके से? फिलहाल और भी बच्चे ज्वाइन करें, आज मुझे लग ही नहीं रहा कि लोग ज्वाइन करेंगे, लोग डर के मारे नहीं ज्वाइन करेंगे लग रहा है। गलत सही होने दीजिए, निहारिका वगैरह अब तक मारे होते 3 बार सबमिट की होती, उस दिन देख रही थी, अभी देखें कितने तो लोग सबमिट कर चुके हैं, 2-2 मिनट में सबमिट कर देना है। आज निहारिका ने फिलहाल सबमिट कर दिया और आज 15 नंबर लेके आ पाई हैं, कोई बात नहीं, फिलहाल आज कुछ तो पढ़ी होंगी कम से कम। खुशी वर्मा का 6 नंबर आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने पढ़ा नहीं है। खुशी के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़ करके समझ नहीं पाते कि क्या पूछा गया है, जो इंग्लिश मीडियम को लेकर के थोड़ा सा, जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के थोड़ी सी परेशानी है उसको, और यह परेशानी केवल बुक्स पढ़ने से, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने से, ज्यादा से ज्यादा 1 बार 2 बार 4 बार किताबें पढ़ने से तभी खत्म होगी, और ये तरीका है फिलहाल। लेकिन कोई बात नहीं, खुशी के परफॉर्मेंस तो फिलहाल बहुत ही कम है, देखा होगा लेकिन समझ नहीं पाई होगी। निहारिका का फिलहाल उस हिसाब से तो ठीक ही है, अभी बाकी लोगों का
नहीं है, अभी हाईएस्ट मुस्कान ही चल रही है, अभी हाईएस्ट मुस्कान ही चल रही है। अच्छा अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी 1:30 हुआ है, 1:13-14:15 पे करीब शेयर किया गया था। आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं, इसके बावजूद भी पढ़ करके समझ करके करने में आपको 10 मिनट लग गए, कम से कम 10 मिनट से ज्यादा लग गया। और बच्चों को तो और समय लगेगा, तो देखते हैं कितना समय लगता है। आकृति पांडे के का भी मार्क्स आ चुका है, 12 मार्क्स। खुशी वर्मा के साथ जो इशू है वही प्रॉब्लम आकृति के साथ भी है, आकृति भी कई बार क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाती है। और एक और प्रॉब्लम है, उनका मन भी नहीं लगता है, जब मन लगेगा, मन लगने का इन द सेंस केवल बोझ जैसे पढ़ाई अगर करती रहेंगी तब नहीं कर पाएंगे ना। थोड़ा सा एक होता है कि आदमी को नहीं आता तो मेहनत करने की कोशिश करते हैं, उनको एक बार चीजें बताओ तुरंत पूछ लो तो तुरंत नहीं बता पाती, लाइव क्लास लेते समय मम्मी या इधर उधर चीजें में भरती रहती है, होमवर्क कंप्लीट किया समय से कभी बिल्कुल भी नहीं किया। अपनी मर्जी से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जो वर्क करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका असर पड़ता है। फिलहाल एक चीज और बता दीजिए, तब तक आप सभी को नोट्स दिए गए हैं बनाने के लिए। श्रेया मिला आपको? Yes, एक चीज ध्यान देना, मुझे नोट्स कंप्लीट चाहिए। सभी लोग, जितने लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, नोट्स अगर आपका गूगल क्लासरूम में ना अपलोड कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मुझे ये जरूर इंश्योर करना है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने अपनी कॉपी प्रॉपरली हमेशा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसका फोटो भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, लेकिन भेजिएगा जरूर। महिमा, श्रेया, मुस्कान, सभी लोग कोशिश करिएगा गूगल क्लासरूम में सेव करने की। गूगल क्लासरूम में सेव करेंगे तो वो आपका हमेशा सेव रहेगा। व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने किया हो, मैं डिलीट कर दूंगा तुरंत उसको, मैं रखूंगा नहीं, मेरे फोन में स्पेस नहीं रहता। हाँ, बट गूगल क्लासरूम में आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। निहारिका ने दोबारा कोशिश किया, फिर 17 मार्क्स पाई। देखिए एक चीज ये भी अंतर है, निहारिका ने जब दोबारा अटेम्प्ट किया तो हर बार जो क्वेश्चन का नंबरिंग है, सीक्वेंस है, वो चेंज हो गया होगा, हर ऑप्शन का भी सीक्वेंस चेंज हो गया होगा, तो दैट मीन्स को तुक्का तो नहीं मार सकती। अब वो 17, यानी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो सीख रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ना इतना ज्यादा डांटा जाता आज, तो शायद फिर भी वही 3 मिनट में 5 मिनट में सबमिट की होती जैसे उस दिन कर रही थी, तो उसका तो मतलब नहीं रहता। 15 नंबर 17 नंबर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला ना खुशी 6 नंबर पाई है, आई एम नॉट हैविंग द इशू बिकॉज आई नो दैट व्हाट इज द रीजन देयर। अभी यही क्वेश्चन अगर हिंदी में होता तो शायद उसको कुछ और भी नंबर्स पाई होती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोशिश करें, ऐसे बच्चों को और भी मेहनत करना चाहिए। बेटा ऑलरेडी 1:35 हो चुका है, अभी समय भी खत्म होने वाला है, थोड़ी देर और वेट करेंगे। बेटा आप लोग बताइए, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई संशय हो, दिक्कत हो, अभिषेक, श्रेया, मुस्कान, किसी क्वेश्चन को लेकर के? क्यों मुस्कान? नमस्कार बेटा, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, फिर सबमिट किया होगा, तो जो जो गलतियां थी, वो जो जो गलत थे, उसके सही आंसर भी आपने चेक किए या नहीं किए? तुरंत आ गया होगा ना? यस सर। तो जो भी गलत आपने हुआ उसका जो सही आंसर है उससे कोई दिक्कत तो नहीं? सब समझ में आ गया क्यों गलत है, क्या सही होना चाहिए? निहारिका आज आपने बहुत अच्छा किया है बेटा, ऐसे ही आप बिना पढ़े अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही किया करो, हमेशा पढ़ के किया करो, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं। देखिए रत्नेश भी इतना समय बाद सबमिट किए हैं, केवल 20 नंबर पाए हैं, तो इतना आसान नहीं था फिलहाल। यानी मुस्कान बहुत अच्छा कर रही है, अभिषेक यादव भी 25 पाए हैं, बट मोर देन 25 बोला गया था कि वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में काउंट किया जाएगा। बाकी सेटिस्फैक्ट्री आपका फिलहाल जो 20 या 20 से ऊपर है उनको सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं, अच्छे बच्चों में
और निहारिका वगैरह भी जो अगर 15 से ऊपर पा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री फॉर अस। खुशी और आकृति को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं उनको पर्सनली उनसे बात कर लूंगा कि कैसे इम्प्रूव करना है। बेटा और कोई समस्या तो नहीं इस चैप्टर में? सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से मिले? Yes, sir. No, sir. तो सारे क्वेश्चन आपके जो पढ़ाए गए थे उसी से थे? कि कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आए? अभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? अभी सारे बच्चे सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लें, जैसे 10 मिनट बचेगा मेरे पास टाइमिंग का अलर्ट आएगा, 10 मिनट में केवल क्वेश्चन जो भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ओपन करके। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन ठीक है, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कोई बात ही नहीं, जो ज्वाइन किए रखेंगे वो समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है आंसर, अगर नहीं ज्वाइन किए तो क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। अभी लोग को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ कि सभी लोग तुरंत ज्वाइन करें सेशन, ठीक है? तब तक आप लोग वेट करिए, 1:36 मिनट हो चुका है, आई होप कि 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है बेटा, 1:38 हो चुके हैं अभी तक। रत्नेश तिवारी के 20 नंबर, रत्नेश तिवारी के बाद फिलहाल अभी तक किसी का और रिस्पांस नहीं रिसीव हुआ है। फिलहाल मैं 30 के 30 क्वेश्चन आज के सेशन में अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं सेशन को वो बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। तो देयर इज ओनली 8 मिनट लेफ्ट फॉर टुडे सेशन, तो 8 मिनट में जल्दी से हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आंसर और क्यों सही था। सबसे पहले आपको पूछा गया होगा कॉन्टेक्ट नंबर, फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं अपना दे रहा हूँ। व्हाट इज योर स्कूल नेम? संदली लिख दे रहा हूँ मैं भी। मैंने नेक्स्ट किया। आप लोगों को भी क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो बेटा चेंज हो जाता है, जब ध्यान से क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें तो ध्यान से। यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स एज इट इज एज इट कैरीज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स है वो फूड फैक्ट्रीज कहलाते हैं बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया है ये इसमें होती है। बट बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चों की गलतियां हैं, कई सारे लोगों को डाउट है। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। लीव्स के अलावा जो प्लांट्स के कुछ अदर पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होते हैं, प्लांट्स का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता? आज के नोट्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे, नोट्स में भी लिखा गया है कि कैक्टस के बारे में आप लोगों ने सुना है, कैक्टस नामक प्लांट सुना है नागफनी, उसमें प्लांट्स नहीं होते तो फिर क्या है, वो पत्तियां जो है कहीं ने कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, आपके नोट्स में लिखा गया है। और कई जगह ऐसे होते हैं जब प्लांट्स मतलब पत्तियां, जैसे कोई पेड़ है, पौधे हैं, पेड़ है या कोई जम रहा होता कोई पौधा, बकरी वगैरह खा जाती हैं, ये भी क्वेश्चन है नोट्स में, तो भी कुछ दिन बाद पत्ती तो रह नहीं जाती और कुछ दिन बाद वो प्लांट फिर से उगाता है, ऐसा क्यों होता है? अब पत्तियां नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो नहीं होना चाहिए, भोजन ही नहीं बनेगा तो पौधा बढ़ेगा कैसे? पत्तियां ही नहीं, जो उनकी ब्रांचेस होती है, स्टेम्स होते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत क्लोरोफिल मतलब की मात्रा भले ही कम रहती है लेकिन कुछ ना कुछ पाई जाती है, और इसलिए वहां पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है? चाहे ग्रीन ब्रांचेस हुआ, चाहे ग्रीन स्टेम्स हुआ। एक होता है नॉन ग्रीन लीव, नॉन ग्रीन लीव के बारे में बोला, ये भी आपके बताया गया है कि देयर आर मेनी अदर लीव्स ग्रीन कलर अदर कलर में पाई जाती है, लेकिन उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो ग्रीन क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें अदर कलर के पिगमेंट हैं, रेड ब्राउन, वो पिगमेंट ज्यादा
पिगमेंट ज्यादा पाए जाते हैं और वो ग्रीन पिगमेंट को कवर मास्क कवर कर लेते हैं, मास्क कलर रहता है, इस वजह से वो ग्रीन ना दिख करके रेड कलर के या गुलाबी कलर के दिखते हैं। लेकिन फिर भी इसमें फोटोसिंथेसिस तो होता है ना, तो इन चारों ऑप्शन में रूट्स इज ओनली द थिंग। रूट्स ही एक ऐसी जगह है, ऐसा पार्ट है प्लांट्स का जहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। रूट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट जो अदर आपको मिल सकते हैं, ऐसी आवाज होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आपको मिल करना है सिस्टम में करें 5 मिनट 30 क्वेश्चन पहली बताया गया फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स। जब आदमी बनाता है तो किचन तो कुकिंग बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स अगर खाना बनाता है तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर एंड फीड ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर। आपको बुक का सीधा सीधा वही क्वेश्चन बता दिया गया, थोड़ा सा लंबा बना के, कि ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कॉटन लाइक थ्रेड, जो रुई के समान जो संरचनाएं होती है, जो ब्रेड वाला मैंने बताया था, ब्रेड वाला जो पैराग्राफ था कि भिगो करके छोड़ दो तो कुछ दिनों में आपको वहां पे कुछ संरचनाएं मिल रही, तो वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म कहलाते थे, कि वो फंगस होते थे। आई होप कि इसमें क्लियर नहीं, मतलब ये चीजें क्लियर होगा, आपकी बुक का ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देयर आर सेवरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। सिंपल सा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर इसी पे है, यहाँ पे बताया गया न्यूट्रिशन की बहुत सारी विधियां, लेकिन आपको ऐसे एनिमल न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का नाम बताना है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सा मोड है? केवल ऑटोट्रॉफिक मोड है, ये तो नहीं गलत होना चाहिए किसी का। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग इसमें आपको कई सारे प्लांट्स दिए हैं कॉलम वन में, और फिर इधर आपको उनके न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मैच कराना है। मैंगो ट्री आपका क्या है? मैंगो ट्री आपका स्वयं खाना बनाता है। ऑटोट्रॉप्स एलिफेंट क्या है? इट इज एनिमल, और ये कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट्स पे पे डिपेंडेंट रहता है फॉर देयर फूड। तो ये हेटरोट्रॉप्स हो गए। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट के बारे में आपको पढ़ाया गया था, ये इंसेक्ट्स को का भक्षण करता है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाएगा। हाँ, एलिफेंट आपका हेटरोट्रॉप्स, पिचर प्लांट आपका इंसेक्टिवोरस। मशरूम्स आपका क्या है? मशरूम्स आपका सेप्रोट्रॉप्स है, और कैस्केड है पैरासाइट। आपके बुक के सारे क्वेश्चन आ गए हैं इस क्वेश्चन में, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? इस मैच द फॉलोइंग में किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्यों मुस्कान? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। एयर में कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चार कंपोनेंट की जरूरत होती है, तो एयर में क्या उपलब्ध रहता है? वाटर तो जमीन से मिल जाता है, जो क्लोरोफिल तो पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, और क्या जरूरत है? सनलाइट तो मान लो ऊपर से आता है। एयर में क्या उपलब्ध रहता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एयर में रहता है, तो ये आसान है। आई होप कि सभी लोग समझे होंगे, किए होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन द लीव्स। इसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लीव्स में। किसके एब्सेंस में? क्लोरो, सब तो आसान था ना। ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपली नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रेफर्ड टू ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यूजिंग सिंपली नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो नेचर में जो उपलब्ध है अवेलेबल रॉ मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? सेम वही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो नेचर में उपलब्ध है रॉ मटेरियल उनका यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। आप लोग भी बोला करो। टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड द टाइनी पोर्स। होते हैं लीव्स पे, वो उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अगर आज आपका नोट्स अगर आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, तो वीक आपका रिवीजन हो जाता। देर आर सम प्लांट्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल की कमी की वजह से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। देयर इज अ प्लांट्स येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो येलो कलर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर रहते हैं, वो क्या कहलाते थे?
पल्स अराउंड द स्टेम एंड द ट्रेनिंग द प्लांट, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? येलो कलर की जो ब्रांचेस पे लिपटे हुए रहते थे वो तो कैस्केड आते हैं, अमरबेल था ना? यस सर। बेटा अभी ये सेशन विद इन अ मिनट में खत्म होने वाला है, तो ऑल यू नीड टू प्लीज ज्वाइन द सेशन। आप लोग को दोबारा सेशन ज्वाइन करना है, बाकी जो के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में पार्ट सेकेंड आज मुझे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अभी आधा ही हुआ है, पूरा हो नहीं पाएगा। आज की रिकॉर्डिंग दो पार्ट में होगा, ध्यान से दोनों देख लीजिएगा। टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिशन व्हाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंडर्स